नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। पीएनबी महाघोटाले के लिए क्या नीरव मोदी और मेहुल चौकसी ही जिम्मेदार थे? आखिर 7 साल तक उनका फ्रॉड पकड़ा क्यों नहीं गया? पीएनबी कोई छोटा मोटा बैंक तो है नहीं कि लगातार स्क्रूटनी का कोई सिस्टम ना हो, कि 7 साल तक घोटाला होता रहे और अलार्म बजे ही ना। पीएनबी आखिरकार देश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, और ये कैसे हुआ कि हर साल बैंकों में होने वाले ऑडिट के बावजूद ये घोटाला 7 साल तक पनपता रहा? क्या ऐसे में बैंक कर्मचारियों के साथ साथ ऑडिटर्स यानी उन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जिन्होंने बैंक के खातों को क्लीन चिट दी, उन्हें कटघरे में नहीं लाना चाहिए? तो सवाल तो साफ है, मैनेजमेंट की नाकामी का खामियाजा भुगतना पड़ा आम आदमी को, क्योंकि नीरव मोदी जैसे लुटेरे हजारों करोड़ रुपए लेकर देश से भाग गए। ऑडिटर्स की कितनी मिलीभगत से हुए ये बड़े बड़े घोटाले, कुछ की तस्वीर हम आपको यहां पर दिखा देते हैं। देखिए आप तस्वीरें, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि ऑडिटर्स पर आरोप कब कब लगे। साल 2000-2001 में डीएसक्यू सॉफ्टवेयर का ये घोटाला, जिसमें 595 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, ऑडिटर्स पर यहां सवाल उठे। डीएसक्यू सॉफ्टवेयर के बाद आप एक और घोटाला याद होगा आपको, 2009 का सत्यम घोटाला, यहां भी ऑडिटर्स पर सवाल उठे। 7000 करोड़ रुपए का यह घोटाला हुआ। किंगफिशर एयरलाइंस का घोटाला 9000 करोड़ रुपए का, किसी को नहीं भूलता ये किंगफिशर एयरलाइंस का वो घोटाला जिसमें विजय माल्या देश छोड़कर ही भाग गए थे और सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भी उसे वापस नहीं ला सके। और अब 2018 का ये पीएनबी महाघोटाला, 11000 करोड़ रुपए लेकर नीरव मोदी मेहुल चौकसी देश छोड़कर भाग खड़े हुए। अब तक के सारे घोटालों में सबसे बड़ा घोटाला है पीएनबी घोटाला। तीन खास मेहमान मेरे साथ है। आरएस लूना साहब है, मैनेजिंग पार्टनर है लायंस लॉ के। मेरे साथ एक्स डायरेक्टर है इलाहाबाद बैंक के दिनेश दुबे जी, और एक्स प्रेसिडेंट है आईसीएआई के वेद जैन साहब। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर, और शुक्रिया आपका कि आप इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले तो मिस्टर लूना, आपसे समझना चाहूंगी मैं कि सर एक बात बताइए कि क्यों हम सिर्फ बैंक के एम्प्लॉयज पर ही टारगेट यहां पर कर रहे हैं? क्या ऑडिटर्स को उस ऑडिट बुक देखकर यह समझ नहीं आया कि कैसे यह पूरा का पूरा घोटाला हो रहा है? समझ में तो यही आता है कि ऑडिटर्स को समझ में आ गया होगा शायद, लेकिन उन्होंने इस इंफॉर्मेशन को बाहर पास ऑन नहीं किया। सर्टनली देखिए, अगर हम ये मान के चलें कि ये एक क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है, फ्रॉड हुआ है, तो वो फ्रॉड को करने में जो जो भी साझेदार हैं उन सबके लिए जो है एक्शन बनता है। तो ये कोई इतना ही नहीं कि जो क्रिमिनल एक्शन है वो खाली एम्प्लॉयज के खिलाफ होना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो ऑडिटर्स हैं अगर उनकी इसमें कनाइवेंस है तो सर्टनली उनकी भी लाइबिलिटी बनती है, या अगर ग्रॉस नेग्लिजेंस है तो तब भी उनकी लाइबिलिटी बनती है। और जैसे हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह का मामला सामने आ रहा है, इससे लगता है कि भाई ऑडिटर्स ने या तो ग्रॉस नेग्लिजेंस की है या उनकी कनाइवेंस है इसमें, क्योंकि ऐसा मामला ऐसे नहीं है कि भाई ऑडिटर्स के नोटिस में ना आए। और ऑडिटर्स ही नहीं, बैंक के इंटरनल ऑडिटर जो हैं वो भी एक लेयर है जो कि चेक कर सकती है कि कहीं कंपनी बैंक में फ्रॉड तो नहीं हो रहा, लेकिन इंटरनल ऑडिटर्स भी लगते हैं वो भी सोए रहे हैं और उन्होंने भी कहीं पे कोई ऐसा जो इरेगुलरिटी है नोटिस नहीं की है, पॉइंट आउट नहीं की है। तो मेरे ख्याल में ये सबके सब लोग जो है स्टेचुटरी ऑडिटर्स या इंटरनल ऑडिटर्स जो जो भी लोग ये इसको सुपरवाइज करते रहे हैं उनकी पूछताछ होनी भी बहुत जरूरी है। ठीक है, वेद जैन साहब भी मेरे साथ हैं, टैक्स के मामलों को भी बखूबी समझते हैं। वेद जैन साहब, आपसे मैं ये अनुरोध करूंगी कि आप बहुत ही सरल भाषा में हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि कैसे एक इंटरनल ऑडिट टीम होती है और कैसे एक एक्सटर्नल ऑडिट टीम भी आती है जो सारे बही खातों की जांच करती है, और किस स्थिति में ये पॉसिबल है कि ऑडिटर्स की नजर में इस तरह का घोटाला ना आए, कैसे क्या सिचुएशन हो सकती है
कि ऑडिटर्स को अगर मैं एक पल के लिए मान भी लेती हूँ कि एक्सटर्नल ऑडिटर्स इसे नहीं पकड़ पाए, तो क्या ये पॉसिबल है कि 7 साल तक ऑडिट एक्सटर्नल ऑडिटर्स करते रहे और उसके बावजूद वो इस घोटाले के बारे में पता नहीं कर पाए? देखिए अनिवा जी, आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछा और फैक्ट्स बताया कि ऑडिटर आते हैं, वो बही खाते देखते हैं। तो ऑडिटर का जो काम है वो बही खाते देखने का है। अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जो बही खाते में चढ़ी ही नहीं और जिसका बही खाते में जिक्र ही नहीं आ रहा, तो वहाँ तक ऑडिटर कैसे पहुँचेगा, मुझे संभव नहीं लगता। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ कि आज की डेट में कोई व्यक्ति बाहर जाके किसी को चिट्ठी लेकर दे आए कि कल मेरी अगर ये पैसा नहीं देता तो गारंटी मेरी है, उस चेयरमैन के उस मैनेजिंग डायरेक्टर की चिट्ठी जो वो दे आया है, उसको कैसे पता लगेगा ऑडिटर को कि ये चिट्ठी दे आया है, जब तक वो चिट्ठी रिकॉर्ड पर नहीं आएगी या उसकी कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड पर नहीं आएगी। अभी तक पीएनबी ने जितनी बातें कही हैं, एक ही बात कही है कि 6 साल तक ये एम्प्लाई दोनों ही अपनी तरफ से चिट्ठियां भेजे जा रहे थे स्विफ्ट की, और वो किसी को एक्सेस नहीं थी और वहीं से किसी को पता नहीं लगा। अगर आप ये बात मानते हैं कि ये कहीं एंट्री खाते में चढ़ी हुई थी या कहीं रिकॉर्ड पे आई हुई थी, तो मेरा एक सबसे पहला सवाल आएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, क्योंकि सबसे बड़ी बैंकों के इंस्पेक्शन अगर कोई करता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। ये कहना सरकार के लिए औरों के लिए बड़ा आसान हो कि ऑडिटर ने गलती करी, उसने खाते क्यों नहीं देखे और उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन क्यों नहीं हो, लेकिन मैं सवाल पूछता हूं कि बैंकों का अगर कोई इंस्पेक्शन करता है, रेगुलेटर है, तो वो सबसे पहले और इम्पोर्टेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो जवाब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दे कि अगर उसने वहां जाके देखा और ये वर्किंग करी और रिजर्व बैंक क्या की रेगुलेटर की पहुंच पीएनबी के नहीं बाकी बैंकों पे भी है और सब पे है। एक ऑडिटर अगर पंजाब नेशनल बैंक का कोई है तो उसकी पहुंच तो सिर्फ पंजाब नेशनल बैंक तक है, वो बाहर के खाते किसी और के देख नहीं सकता, किसी से और से पूछ नहीं सकता। वो चेकिंग करेगा तो पीएनबी के खाते देखेगा, कैशबुक लेजर देखेगा, उसमें अगर एंट्री है तो पकड़ेगा, अगर उसमें कोई एंट्री है ही नहीं तो पकड़ेगा कहां से। इसके विपरीत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और जो इंस्पेक्शन टीम है वो उससे सबसे पहले सवाल तो उससे पूछा जाए कि अगर ये पीएनबी के खाते में कहीं आ रहे थे तो आप किसी को गुनाह ठहराना तो बहुत आसान है। वही बात आपने कही और ये बात साफ भी है कि बुक्स में ये एंट्री थी नहीं। क्या इसके अलावा कोई और तरीका है कि एक्सटर्नल ऑडिटर इस तरह की धांधली को पकड़ सके, या सिर्फ बुक्स के रेफरेंस ही एक हो सकता है, या पॉसिबिलिटी? मैं इसलिए कह रही हूं विजयन सर क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल्स दिखाए, फिर चाहे सत्यम का मामला हो, किंगफिशर एयरलाइंस का मामला हो, जहां ऑडिटर्स पर सवाल उठे थे। सर क्या ऐसा पॉसिबल है कि इंटरनल ऑडिटर और एक्सटर्नल ऑडिटर के बीच कोई साठगांठ हो और तब इस तरह के मामले को दबा दिया गया हो? इज देयर अ पॉसिबिलिटी लाइक दिस? डू यू सी इट? नहीं, देखिए पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं है कि किसी भी तरह से ये मामला दब नहीं सकता था। अगर कहीं भी रिकॉर्ड में छोटी मोटी एंट्री चढ़ी होती तो ऑडिटर जरूर पकड़ के ले जाता। आप इसको सत्यम से कंपेयर मत करिए। सत्यम के केस में ये कहा कि उस फैमिली ने एक असेट दिखाई हुई थी, बुक्स के अंदर एंट्री थी कि जिसको वो एक फिक्स डिपॉजिट दिखा रहे थे जो एक्चुअल में नहीं थी, उसकी इंटरेस्ट की इनकम दिखाई जा रही थी। तो वहां ऑडिटर पे सवाल आया कि आपने इसको देख के सवाल क्यों नहीं पूछे। पंजाब नेशनल बैंक वाले और जो नीरव मोदी वाले केस में ये कोई नहीं कह रहा था कि कोई बुक्स में ऐसी एंट्री नजर आ रही है जिससे ऑडिटर सवाल पूछ सकता था। आज मामले को आए, आज 5 दिन हो गए हैं पब्लिक डोमेन में आए हुए, कोई पंजाब नेशनल बैंक का कोई व्यक्ति आज की डेट में ये कह दे कि भाई ये एंट्री वहां नजर आ रही थी, ये ऑडिटर को देखनी चाहिए थी। और मैं एक कारण समझता हूं कि क्यों नहीं कहा जा रहा, कि अगर कहीं रिकॉर्ड पे कोई छोटी मोटी इंडिकेशन आ रही है तो सबसे पहले गुनाहगार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनेगा कि उसकी इंस्पेक्शन की टीम ने ये नहीं देखा कि पंजाब नेशनल बैंक अपनी कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी जो अपने नॉन फंड बेस लिमिट की गारंटी दे दी है वो कैसे दे दी है। मेरा एक सवाल और बैंकों से भी है मिस्टर जैन, वे जैन सर, मेरा एक सवाल, मैं आपकी बात, हाँ जी सर बोलिए बोलिए, एक सवाल, एक मिनट और दे दीजिए मुझे, बोलिए बोलिए, मेरा एक सवाल और भी है कि आप आज पंजाब नेशनल बैंक इस पे बिल्कुल चुप्पी रखे बैठा है कि 11,000 करोड़ का घोटाला कैसे हुआ। एक एमडी पहले दिन आए, उन्होंने ये तो बताया कि ये हो गया है। मेरा सवाल और बैंकों से भी है, वो स्टेट बैंक हो चाहे इलाहाबाद बैंक हो चाहे सेंट्रल बैंक हो, उनसे मैं 2-3 सवाल छोटे से पूछना चाहता हूं कि क्या आज की डेट में जो पंजाब नेशनल बैंक कह रहा है इस तरह की लेटर ऑफ अंडरटेकिंग देने का सिस्टम उन बैंकों में भी है क्या? एक,
अगर वो सिस्टम है तो उसके ऊपर मैकेनिज्म क्या प्रोवाइड किया है, ये इसी तरह के दो एम्प्लाई दे सकते हैं अनलिमिटेड अमाउंट और जिसकी की कोई सिस्टम में कहीं एंट्री नहीं आएगी, अगर वो दे सकते हैं इस तरह से। आप सवाल पूछ रहे हैं, एक और सवाल मेरे मन में आया है, प्लीज उसका भी जवाब दे दीजिएगा। सर ये जो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग होता है, दिस इज फॉर अ टाइम पीरियड 30 डेज 90 डेज, यहाँ पर एक साल के लिए एक ही लेटर ऑफ अंडरटेकिंग को कंटिन्यू किया गया, क्या ये ऑडिटर्स की पकड़ में नहीं आया या नहीं आ सकता है, या ऑडिटर्स इन चीजों को नहीं देखता है? मैं समझना चाहती हूँ ये चीज आपसे। देखिए अनिया जी, मैं आपको एक बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, हम इसको नॉन फंड बेस्ड लिमिट कहते हैं, जिसमें किताबों के अंदर कोई एंट्री नहीं आती, सिर्फ लेटर चलते हैं। आपने एक मैनेजर ने लेटर साइन करके दे दिया कि आप 200 करोड़ रुपए नीरव मोदी जी को दे दें, अगर देंगे तो कल को वो नहीं देंगे तो मैं जिम्मेवार हूंगा और ये चिट्ठी मेरी 3 महीने के लिए वैलिड होगी। ठीक है सर। रिजर्व बैंक के रूल ये कहते हैं डायमंड और गोल्ड में 3 महीने होंगे और पर्ल में ये 6 महीने तक हो सकता है। ठीक है सर। जब 6 महीने का पीरियड आया दोबारे से, तो उन्होंने एक नई चिट्ठी और दे दी कि आप 250 करोड़ दे दीजिए, तो पुरानी चिट्ठी खत्म हो गई, नई चिट्ठी के बेस पे 250 करोड़ रुपए उस बैंक ने दे दिए और पहले वाले 200 करोड़ अपने रिकवर कर लिए। ठीक है सर। फिर 6 महीने के बाद दोबारा एक चिट्ठी 300 करोड़ की इश्यू कर दी, तो वो बुक्स में कहीं एंट्री नहीं आई। समझना चाह रही थी क्षेत्रों में ये कहा जा रहा है, क्योंकि ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग कहा जा रहा था कि टाइम पीरियड एक्सटेंड हो गया था, यही समझना चाह रही थी कि क्या ऑडिटर्स इसको नहीं पकड़ पाए। आपने क्लियर कर दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश दुबे साहब भी मेरे साथ है, एक्स डायरेक्टर है अलाहाबाद बैंक के। दिनेश दुबे जी, आप सुर्खियों में है किस लिए वो आज सब जानते हैं, लेकिन आप क्योंकि अलाहाबाद बैंक के साथ काफी लंबा आपका रिश्ता रहा और आपने काफी दिनों तक वहां काम भी किया, अगर आप क्योंकि आप इस सरकारी बैंक की पूरी प्रक्रिया को समझते हैं, किस तरह से काम होता है ये सब समझते हैं, मुझे ये बताइए सर कि क्या पहले तो मैं ये नहीं समझ पा रही हूं कि क्या सिर्फ 2 या 3 लोग जिनसे पूछताछ हो रही है वही रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। मेरा सवाल आपसे ये भी है, क्या आपको लगता है कि इंटरनल ऑडिटर और एक्सटर्नल ऑडिटर की भी कोई मिलीभगत हो सकती है? इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि यहां पर कुछ भी चीज लिखित में नहीं थी, कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं थे। और एक और चीज सर मैं समझना चाहूंगी कि क्या बैंक का या ब्रांच का जो हेड होता है उसकी नजरों से इतनी बड़ी इतना बड़ा घोटाला हो जाता है, क्या ये छुप सकता है, क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल तो है ही क्योंकि इतना बड़ा घोटाला हो गया, बट कितनी पॉसिबिलिटी है इसकी? नमस्कार मैडम, आज मुझे प्रसन्नता हुई कि आपकी चैनल पे कोई राजनेता नहीं है और आपकी चैनल चाहती है कि इस देश की बैंकिंग व्यवस्था में कैसे सुधार हो। मैं आपको 3 बातें कहना चाहूँगा, जो दोनों पैनलिस्ट बैठे हुए हैं मैं उनकी बातों से 100% सहमत हूँ। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि सम्माननीय वित्त मंत्री अरुण जी जेटली ने जो अपना वक्तव्य दिया उसमें मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ, देश की जनता के सामने रखना चाहता हूँ, आपके सामने रखना चाहता हूं और सरकार के सामने रखना चाहता हूं, इसका निर्णय आना चाहिए। बोर्ड में एक नॉमिनी होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट का, जो आईएएस लेवल के स्तर का होता है, और बोर्ड में एक नॉमिनी होता है आरबीआई का, जो डिप्टी जनरल मैनेजर की लेवल का होता है। जब ये दोनों बोर्ड में बैठे हुए हैं तो फिर सरकार के ध्यान में ये नहीं है, ये नहीं माना जा सकता। मैं इस बात को संपूर्ण रूप से खारिज करता हूं कि सरकार के ध्यान में नहीं आया। अगर नहीं आया तो उनके दोनों प्रतिनिधि डायरेक्टर वहां क्या कर रहे थे, नंबर एक बात। नंबर दो बात, जो ऑडिटर की बात सामने आ रही है, मैं इसमें एक स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि पंजाब नेशनल बैंक के जो ऑडिटर थे मिस्टर बीएम अग्रवाल, उन्होंने सब चैनल के सामने आकर ये स्पष्ट किया है कि मैंने 3-3 बार बैंक मैनेजमेंट को आगाह किया था कि ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। और तीसरी बात मैडम, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि क्या इसमें ब्रांच मैनेजर ही संलग्न हो सकता है या और भी हो सकते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं मैडम कि ऐसे लोन में ब्रांच मैनेजर से लेके जोनल मैनेजर, जोनल मैनेजर से लेके बैंक हेड
बैंक हेड, मेरे शब्दों पे जोर देना, बैंक हेड और सरकार के दो प्रतिनिधि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का भी है और आरबीआई का भी है वो मौजूद होते हैं। उसके बाद फ्रॉड हुआ है तो कोई भी है। अपनी जवाबदारी है बिटवीन बैंक्स एंड कॉर्पोरेट्स, मैं इसे लेटर ऑफ अंडरटेकिंग नहीं कहूंगी, फिर तो ये लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। हम मैडम हमारे राजस्थान में एक कहावत है चोर चोर मोसेरे भाई, ये उसकी पुनरावृत्ति है, उस कहावत को ये सत्य चरितार्थ करते हैं। मैडम मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं और आपके माध्यम से इन दोनों पैनलिस्ट और जनता को कहना चाहता हूं कि आप बैंक के ऑडिटर की रिपोर्ट्स देखिए। जब मैं इलाहाबाद बैंक में था तब मैं ऑडिट कमेटी का मेंबर भी था, उस समय एक रिपोर्ट सामने आई सारे ऑडिटर्स की, सारी ब्रांचों की, पूरी ब्रांच तो देखी नहीं जा सकती थी, एक ब्रांच की ऑडिट मैंने देखी, ठीक है, उसमें ऑडिटर दो साल से लिख रहा था। जी समझ गए, माफ कीजिएगा समय की कमी है इसलिए लूना साहब की बात सुन लेते हैं क्योंकि लूना जी जो है वकील है जाने माने। सर मुझे एक बात बताइए, जो बात दिनेश दुबे ने यहाँ पर कही, क्या पॉसिबल है कि अब सीबीआई एक्सटर्नल ऑडिटर्स के साथ साथ इंटरनल ऑडिटर्स के साथ साथ एक्सटर्नल ऑडिटर्स की भी जांच करे, यहाँ छानबीन करे और तब शायद कुछ निकलकर सामने आ जाए? बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि अगर ये मान के चलें कि ये क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है तो जो जो भी इसमें इन्वॉल्व है उन सबकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो बनती है और इट इज़ वेरी पॉसिबल कि पुलिस वाले जो हैं उनको भी एग्जामिन करेंगे, उनसे भी पूछेंगे भी ये कैसे हुआ। और अगर ये देखा जाए तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अज्यूम कि भाई ये ऑडिटर्स के नोटिस पे नहीं आया, क्योंकि ये 11,400 करोड़ की लाइबिलिटी जो बैंक दिखा रहा है कहीं ना कहीं तो बुक्स में शो होगी ना। अगर बुक्स में शो हो रही है तो ये लाइबिलिटी के अगेंस्ट क्या सिक्योरिटी है, ये किसी ने देखना नहीं है, क्योंकि एज पर द नॉर्मल बैंकिंग प्रैक्टिस ये जो अंडरटेकिंग है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है इसके अगेंस्ट 100% कैश डिपॉजिट होना चाहिए। और वो डिपॉजिट कहाँ है, कहाँ सिक्योरिटी आई है, खाली लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, कहाँ पे सिक्योरिटी है? तो अगर वो सिक्योरिटी नहीं है तो ये ऑडिटर्स को पॉइंट आउट करना है, इंटरनल ऑडिटर्स को पॉइंट आउट करना है, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं जो कि चेक कर सकते कि वर्किंग कैसे चल रही है, उनको पॉइंट आउट करना है ये कैसे हुआ कि सबके सब लोग सो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, यही बात हम भी कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सबके सब लोग सो रहे हैं, 7 साल तक ये सारे कर्मचारी शायद सोते रहे इसीलिए 11,400 करोड़ उभ गए। बस मेरा आखिरी सवाल दिनेश दुबे जी, वे जैन सर आप भी अपनी बात रख लीजिएगा, दिनेश दुबे जी आपने काफी सालों तक बैंकिंग इंडस्ट्री में काम करा है, एक बात बताइए क्या बैंक के कर्मचारियों को और क्या बैंक को आरबीआई का कोई डर है, उस रेगुलेटर का कोई डर है कि अगर कोई घोटाला हुआ, अगर कोई घपला हुआ, अगर ठीक से काम नहीं हुआ तो रेगुलेटर हम पर एक्शन ले सकता है, क्या कोई ऐसा डर है बैंकिंग सरकारी बैंकों के कर्मचारियों में? मैडम मैंने ज्यादा तो काम नहीं किया, केवल 11 महीनों तक काम किया है और वहां की व्यवस्था देख कर और वहां प्रताड़ित होकर मैं इस्तीफा देकर वापस आ गया। ठीक है, लेकिन सर। मैं एक बात दावे से कह सकता हूं, भय बिन प्रीत होए न गोसाई, कोई डर नहीं है, क्योंकि जो आरबीआई का डायरेक्टर है हाँ। वो भी मैनेजमेंट से मिला समझ रहता है सर, और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का डायरेक्टर है वो भी बैंक से मिला डर है रेगुलेटर का। जी वेजैन जी आप अपनी बात रख सकते हैं। जी मैं देखिए मैं दो स्पष्ट बात कर दूं, लूमा साहब ने जो कहा कि ऑडिटर की चेकिंग और इन्वेस्टिगेशन की, सवाल यह है कि यह नहीं है कि सीबीआई जिसके पीछे जाए इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दे, सवाल यह है कि जो आज की डेट में दो एम्प्लाइज हैं जब तक वो ये नहीं कहते कि किस किस लोगों से उन्होंने संपर्क किया तो वो कैसे कहेंगे किसी के पीछे चल देंगे, आपको कहीं ना कहीं से तो लीड लेनी पड़ेगी ना। बिल्कुल। जब तक कोई आदमी आके ये नहीं कहता कि भाई इनसे मेरी बात हुई थी इन्होंने कहा था हाँ। दूसरा लूमा साहब ने पूछा कि 11,000 करोड़ बैंक में जमा होना चाहिए था, जमा तो जब होता जब उसकी बुक्स में एंट्री होती फिर तो फ्रॉड ही नहीं होता, फ्रॉड हुआ ही इसी बात से कि वो दो आदमियों ने चिट्ठियां लिख दी, किसके कहने पर लिखी वो अलग बात है। एक बात तो साफ है और तीसरी बात जो अंडरस्टैंडिंग कही वो बात नहीं, एक बार अनुज्ञा समझ लीजिए,
हाँ। एक एक बार मेरी समझ लीजिए, दुबे साहब कह रहे जो सवाल है रिजर्व बैंक के बारे में आपने पूछा, हाँ। कि रिजर्व बैंक की आप कह रहे रेगुलेटर का डर, मैं कह रहा हूँ रेगुलेटर खुद जवाब देगा कि वो क्या कर रहा था। ठीक है, सबसे पहले जवाब सर, जवाब तो वैसे सबको ही देना चाहिए क्योंकि आम टैक्सपेयर के पैसे से यहाँ पर बैंकों को रिकैपिटलाइज किया जाता है, आम आदमी के टैक्स के पैसे से इन बड़े लोगों को लोन दिया जाता है, ये देश को हजारों करोड़ का चूना लगाते हैं और चले जाते हैं, ये खुद आराम से ऐश से जीते हैं और आम आदमी यहाँ पर टैक्स ही भरता रह जाता है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मकसद हमारा यही था यहाँ पर कि घोटाले का खेल जो है ये पूरे का पूरा, इसमें ऑडिटर्स के साथ साथ आरोपियों की जांच के साथ साथ ऑडिटर्स पर भी सवाल उठने चाहिए, और ये सवाल इसलिए उठना चाहिए क्योंकि क्यों इतने सालों तक इंटरनल ऑडिटर के साथ साथ एक्सटर्नल ऑडिटर जब पूरी जांच कर रहा था तो ये घोटाला सामने क्यों नहीं आया। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।